और इनका रोजा रखने का तरीका क्या है। और यही नहीं, यहूदी धर्म के लोग अपने रोजे के दौरान यानी कि रोजे की हालत में कौन कौन से हैरतअंगेज और अजीबो गरीब काम करते हैं, ये जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। आदाब मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। भाइयों आज ना हमने सूट पहन रखा है, पूरा विद्रुपट्टा है ना, और प्रॉपर सूट पहना है भाई, प्रॉपर सूट पहना है। तो वही मैंने कहा लो भाई लोगों को बता दूँ, सबसे पहले मैंने यही बताया कि मैंने सूट पहना है। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। भाई मैं थोड़ा चुलबुली टाइप की लड़की हूँ और मैं हर एक बात आप लोगों से बोलती हूँ। दूसरी बात ये है, हमारे कान में दिक्कत हो गया है भाई, तो थोड़ा सा कुछ उल्टा सीधा मतलब तेज आवाज़ निकल जाए तो इग्नोर करके चलिएगा, क्योंकि मैं बोल भी रही हूँ ये कान से भी आवाज़ आ रही है, मतलब डबल डबल आवाज़ आ रही है। मेरे कान में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद अपने शब्द नहीं समझ में आ रहे, सुनाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं वीडियो तो बनाऊंगी मेरे भाई, और मैं वीडियो बना रही हूँ। तो चलो आज का वीडियो ये है कि यहूदी लोग रोजा कैसे रखते हैं। जी हाँ, और इनका ओरिजिनल वीडियो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है, आप लोग बिना रिएक्शन के देखना चाहते हैं तो भी देख लीजिएगा। अच्छा जी। दोस्तों एक सवाल है जो आपके भी जहन में घूम रहा होगा कि क्या यहूदी भी मुसलमानों की तरह रोजा रखते हैं? तो हम आपको बता दें कि हाँ, यहूदी भी रोजा रखते हैं। अच्छा। आज के इस वीडियो में हम आपको यहूदी धर्म के इन्हीं अजीबो गरीब तौर तरीकों के बारे में बताने वाले हैं, और आपको बताने वाले हैं कि यहूदी धर्म के लोग कितने रोजे रखते हैं और इनका रोजा रखने का तरीका क्या है। और यही नहीं, यहूदी धर्म के लोग अपने रोजे के दौरान यानी कि रोजे की हालत में कौन कौन से हैरतअंगेज और अजीबो गरीब काम करते हैं, ये जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे इसीलिए दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें, और सबसे पहले अगर आपको दीन इस्लाम के रोजे अच्छे लगते हैं तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दे, और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दे। दोस्तों जिस तरह से इस्लाम धर्म में रमजान सबसे बाबरकत और मुबारक महीना है, जिसमें तमाम मुसलमान 30 दिन के रोजे रखते हैं और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, वैसे ही यहूदी धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग भी अपने मुकर्रर करदा वक्त और अपनी औकात के हिसाब से रोजा रखते हैं। लेकिन अगर इनके रोजा रखने का तौर तरीका देखा जाए तो इनमें और इस्लाम धर्म में बहुत ज्यादा फर्क है। याद रखें, यहूदी धर्म यानी बनी इसराइल दुनिया के बड़े धर्मों में से एक धर्म है। बनी इसराइल कौम अल्लाह ताला की लाडली कौमों में से एक हुआ करती थी। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने 48 अंबियाए किराम को इनके बीच में भेजा था, मगर खास तौर पर यहूदी धर्म की निस्बत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ की जाती है, क्योंकि इनका नस्ली ताल्लुक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से था, जिनका लकब इसराइल था, इसीलिए उनको बनी इसराइल भी कहा जाता है। दुनिया के हर धर्म और मजहब की तरह यहूदी धर्म भी अपने अलग अलग तौर तरीके रखता है। मजहब इस्लाम की तरह यहूदियों में अजान भी दी जाती है, इबादत भी की जाती है और रोजे भी रखे जाते हैं। लेकिन इनका तरीका और वक्त के लिहाज से देखा जाए तो इनमें इस्लाम धर्म में बहुत ज्यादा फर्क है। दोस्तों रोजे का तसव्वुर किसी न किसी तरह से दुनिया के तकरीबन हर एक मजहब और हर एक कौम में पाया जाता है। इसी तरह से हम आपको बता दें कि यहूदी धर्म में रोजे फर्ज है, जिसे यौम कुफूर के नाम से जाना जाता है। ये रोजे गुरूब आफ्ताब से लेकर अगले रोज अंधेरा छा जाने तक का होता है, और इसका फासला तकरीबन 25 या 26 घंटों का होता है। इसके अलावा यहूदी धर्म में 40 रोजों का भी जिक्र आता है। इन रोजों के बारे में कहा जाता है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मुलाकात के लिए
कोहेतूर की पहाड़ी पर गए थे तो उस वक्त आपने वहाँ पर 40 दिन का रोजा रखा। इस दौरान आपने वहाँ पर ना ही कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। यहूदियों की किताब तौरात में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उन रोजों का जिक्र इस तरह से आया है, और मूसा खुदावंद के पास 40 दिन और 40 रात रहे, ना रोटी खाई और ना ही पानी पिया। इसके अलावा तौरात में यहूदियों पर आशूरा का रोजा भी फर्ज किया गया है। इस रोजे का जिक्र कुछ यूं आया है, ये तुम्हारे लिए अब भी फर्ज होगा कि 7वें महीने की 10 तारीख को तुम में से हर एक, क्या देसी क्या परदेसी, हर एक नफ्स का सियम यानी कि रोजा रखे और उस दिन कोई भी काम ना करे, क्योंकि इस रोज तुम्हारी पाकीजगी के लिए तुम्हारे वास्ते कफारा दिया जाएगा। तुम अपने सारे गुनाहों से खुदावंद के आगे पाक हो जाओगे। दोस्तों, सैयद सुलेमान नदवी अपनी मशहूर किताब सीरतुल नबवी में लिखते हैं कि यहूदियों में रोजा फर्ज है। हजरत मूसा अलैहि सलाम कोहेतूर की पहाड़ी पर 40 दिनों तक भूखे प्यासे रुके थे, यानी कि 40 दिनों तक आपने भूख प्यास से गुजारे थे। इसीलिए आम तौर पर यहूदी धर्म के लोग हजरत मूसा अलैहि सलाम की पैरवी में 40 दिन का रोजा रखना अच्छा समझते हैं। लेकिन 40 दिन का रोजा उन पर हर हाल में फर्ज है जो उनके 7वें महीने की 10 तारीख को आता है, जिसे आशूरा कहते हैं। कहा जाता है कि इसी दिन हजरत मूसा अलैहि सलाम को तौरात के 10 खास अहकामात इनायत हुए थे, इसीलिए तौरात में इन रोजों की निहायत ताकीद की गई है। अब अगर यहूदी धर्म के फर्ज रोजों की बात की जाए तो याद रखे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल पर एक ही रोजा फर्ज था, जिसे यौम कुफूर का रोजा कहा जाता था। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर बेशुमार नबी बनाकर भेजे, जिन्होंने मुख्तलिफ तादाद में रोजे रखे और उन्होंने अपने लोगों को भी रोजे रखने की इजाजत दी। इसीलिए यहूदी लोग यौम कुफूर के रोजे के अलावा दूसरे बेशुमार रोजे भी रखने लगे। याद रखे, यहूदी धर्म में रोजा सूरज डूबने से शुरू होता है और तकरीबन 25 घंटे बाद अगले रोज नई रात के शुरू होने के वक्त, यानी कि अगले रोज अंधेरा छा जाने तक रहता है। इस दौरान यहूदी लोग खाने पीने और जिस्मानी ताल्लुकात बनाने से मुकम्मल तौर पर परहेज करते हैं। मतलब कि यहूदियों के रोजे में खाने पीने, नहाने, क्रीम या लोशन लगाने, तेल या परफ्यूम इस्तेमाल करने के साथ साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने की भी मनाही होती है। इसके अलावा यहूदियों के रोजे में हैरान कुन बात तो ये है कि यहूदी अपने रोजे के दौरान चमड़े की जूती, जो कि आराम की अलामत समझी जाती है, उसे भी नहीं पहनते हैं। और फिर जब दिन गुजर जाता है तो शाम के बाद वो अपने खुदा के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। इसके अलावा यहूदी धर्म में 4 और रोजे भी रखे जाते हैं, जो सुबह सादिक से लेकर गुरुबे आफ्ताब तक रखे जाते हैं। और यही नहीं, यहूदी धर्म में दुल्हा और दुल्हन भी अपनी पाकीजगी और खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करने के लिए अपनी शादी वाले दिन रोजा रखते हैं। यानी कि यहूदी धर्म के मानने वाले लोगों में अगर किसी लड़का या लड़की की शादी होती है तो वो अपनी शादी वाले दिन आगे की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए उस दिन का रोजा रखते हैं। इसके अलावा यहूदी धर्म के मानने वाले लोगों में अगर कभी कोई वबा फूट पड़ी, यानी कि कोई बड़ी बीमारी आ जाए, या फिर अगर कभी कोई आसमानी आफत या कोई कहर आ जाए, तब भी यहूदी धर्म के लोग इस आफत को खत्म करने के लिए रोजा रखते हैं। या फिर यहूदी धर्म के मानने वाले लोगों में अगर किसी बड़े आदमी की मौत हो जाए, यानी कि कोई बड़ा आदमी वफात पा जाए, तो इसके बाद उस बड़े आदमी की याद में भी यहूदी धर्म के लोग रोजा रखते हैं। यानी कि यहूदी धर्म में किसी बड़े आदमी के मरने पर भी रोजा रखने का रिवाज आम है। यही वजह है कि जिस दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए थे, उस दिन का रोजा भी यहूदी लोग रखते हैं। तौरात में मौजूद जिन रोजों का जिक्र मिलता है, वो रोजे बाबुल की आशीरी के दौरान
यहूदियों पर मुकर्रर की गई थी और फिर वक्त के साथ साथ इन रोजों में इजाफा होता चला गया, क्योंकि ये रोजे नफली थे, इसीलिए इनको यहूदी मजहब में ज्यादा मकबूलियत हासिल ना हो सकी। लेकिन कुछ परहेजगार यहूदी हर पीर और जुमेरात के दिन का रोजा भी रखते हैं। इनका अकीदा कुछ यूं है कि हजरते मूसा अलैहिस्सलाम जुमेरात को कोहेतूर की पहाड़ी पर तशरीफ ले गए और पीर के दिन वापस आए, इसीलिए वो भी उनकी याद में हर जुमेरात और पीर के दिन का रोजा रखते हैं। इसके अलावा यहूदी मजहब की किताबों में एक ऐसे गिरोह का जिक्र भी मिलता है जो कि अपने उस्ताद के नक्शे कदम पर चलता हुआ जंगलों और बियाबान में जा पहुंचा। उनकी किताब में अपने गुनाहों की माफी और आखिरत की तैयारी के लिए रोजे रखने पर जोर दिया गया है, और यही वजह है कि यहूदी मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग ना सिर्फ अपने 40 रोजे रखते हैं, बल्कि मौके की मुनासिबत से भी रोजे रखते हैं और अपने गुनाहों से निजात हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा क्या आप जानते हो कि यहूदी और मुसलमानों के रोजे में क्या बड़ा फर्क है? तो अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि यहूदी और मुसलमान के रोजे में सहरी का फर्क है। यहूदी रोजा तो रखते हैं लेकिन सहरी नहीं करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि सहरी खाना भी एक इबादत है। दोस्तों, आप ये भी याद रखें कि दीन इस्लाम की तरह यहूदियों में नमाज भी पढ़ी जाती है, लेकिन इनका नमाज पढ़ने का तौर तरीका भी मुसलमानों से बहुत अलग है, यानी कि यहूदियों और मुसलमानों की नमाज में भी बहुत ज़्यादा फर्क है। यहूदियों के नज़दीक नमाज की बजाय अपने खुदा का शुक्र अदा करना है और अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करना है। इसके अलावा यहूदियों का ये भी कहना है कि खुदा ने उनको ये ज़िंदगी दी है, तौरात जैसी मुकद्दस किताब अता की है, इसीलिए उन पर भी फ़र्ज़ होता है कि वो भी अपने खुदा की तारीफ करे और उसकी इबादत करे। इसी वजह से यहूदी धर्म में इनफिराती और इज्तेमाई दोनों नमाजें हैं। इनफिराती नमाज किसी भी वक्त अदा की जा सकती है, जैसे कि किसी भी अहम मौके पर, जैसे कि कोई दुख मुसीबत दूर होने पर, कोई बीमारी से निजात हासिल होने पर, या फिर किसी भी खुशी के मौके पर पढ़ी जाती है। जबकि इज्तिमाई नमाज दिन में सिर्फ 3 बार ही पढ़ी जाती है। याद रखे, यहूदी अपनी नमाजों में बुलंद आवाज से और खूबसूरत आवाज और लय के साथ तौरात की तिलावत करते हैं। इसके अलावा यहूदी अपनी नमाज के दौरान कभी रुकू में चले जाते हैं तो कभी बड़े बड़े सजदे करने लग जाते हैं, तो कभी खड़े खड़े झूमने लगते हैं, तो कभी जोर जोर से तौरात की तिलावत करने लगते हैं, तो कभी झुक जाते हैं, तो कभी सजदा करने लगते हैं। इसी तरह से करते करते यहूदी लोग अपनी नमाज को मुकम्मल कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आज की ये मालूमात आपके समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें। अपना तरीका होता है भाई, सब भी में अपना अपना एक सिस्टम होता है, मैं तो इतना जानती हूँ। चलो वो तो धर्म की बात है भाई, कभी कभी ना धर्म एक होता है, जात बिरादरी में अपने अपने तरीके से लोग फेस्टिवल वगैरह सब कुछ अपना अलग अलग तरीके से करते हैं। अरे भाई, हम लोग एक जगह रहते हैं लेकिन बोलचाल का ढंग बदल जाता है मेरे भाई, सच बता रही हूँ। मतलब सबका अपना अपना तरीका है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इसमें कोई रुकावट नहीं कर सकता। सबका अपना दिल, सबकी अपनी आत्मा, सबका अपना मन, जो जैसा करे, जिसमें खुश रहे वो होना चाहिए, राइट। और उनका अपना है, अपना 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 सिस्टम है, और हम लोग का अपना है, और इस्लामिक भाइयों का अपना है, सभी का अपना अपना है। सभी लोग अपने 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 रूल्स को फॉलो करते हैं, और करना भी चाहिए, दिल से करना चाहिए, आत्मा से करना चाहिए, है ना, सच कह रही हूँ ना। तो चलो, आज का वीडियो बताइएगा कैसा लगा आज का वीडियो, और आज का ये मेरा नया पहनावा बताइएगा कैसा लगा, सलवार सूट पहन रखा था मैंने,
तो बताइएगा, है ना। और क्या बताऊँ, बाकी का मेरे कान में दिक्कत है, तो मेरा मुंह तो बोल ही रहा है, कान भी बोल रहा है। सॉरी भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कितना तेज बोल रही हूँ, मुझे ये भी नहीं पता चल रहा। तो चलो, मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।